हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स। में आज हम आपको पुरानी साड़ी से लहंगा बनाना बताएंगे। पुरानी तो नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, फट गई थी, इस कारण हम इसका लहंगा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है, इसके लिए हमने 3 मीटर जो साटन आता है वो लिया है, इससे थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। और 3 मीटर हमने ये सूती इनर लिया है और 3 मीटर हमने ये कैन ली है। कैन हम मनचाहे लगा सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन 3 मीटर ना कम ना ज़्यादा सही रहती है। और उसके बाद हम ये बोन पट्टी बोलते हैं इसको, ये हम घेरे में यूज़ करेंगे, इससे घेरा थोड़ा और फैलाव में आएगा। और साइड में हम जिप लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा बेल्ट है वो एकदम फिट है, जिस कारण हमें पहनने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम साइड में जिप लगाएंगे जिससे इजी टू वेयर हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारा बेल्ट है उसमें हम ये बुकरम है पेस्ट वाली, ये यूज़ करेंगे। दोनों साइड हम ये पेस्ट वाली बुकरम ही यूज़ करेंगे, फ्रंट में भी बैक में भी, लास्टिक हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारी जो साड़ी की जो लेस थी इसको हम हटा लेते हैं। इसको बहुत सावधानी से हटाएंगे क्योंकि नेट का फैब्रिक है, कट भी सकता है। तो ये देखिए, हमने पूरी नेट जो लेस थी हमारी उसको हटा ली है। इस लेस को हम बॉर्डर में यूज़ करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है, जो हमारी ये झालर वाली साइड है, ये एक्स्ट्रा हम नीचे रखेंगे, और तो हम जो लहंगा बनेगा उसके ऊपर ही फोल्ड करेंगे। जितनी हमने लेंथ तैयार करनी है हम उतनी ही काटेंगे। इसमें बेल्ट लगाने के बाद हम परफेक्ट, हमें जितनी लंबाई रखनी है उतनी हम रख लेंगे। पहले ही हम कम नहीं काटेंगे, पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखेंगे, बाद में ऊपर बेल्ट जोड़ने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से सेट करके जितनी रखनी है उतनी हम रख सकते हैं। इसके बाद हम जो ये शाइनिंग वाला इनर है वो कट करेंगे। शाइनिंग वाला इनर हमने ट्रायंगल शेप में सेट कर लिया है, इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इसे परफेक्ट तरीके से सेट करने के बाद अब हम इसके कमर का निशान लगाएंगे। हमारी जितनी कमर है उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कमर 34 इंच है, उसका चौथाया हिस्सा हम करेंगे, ये 4 लेयर हैं तो चौथाया हिस्सा करेंगे तो हमारी 8.5 इंच आएगी। तो यहाँ पर हमें जो गोलाई में हम सर्कल लगाएंगे निशान, वो हमारा 8.5 इंच होना चाहिए। हम यहाँ पर फिट ही लेंगे, क्योंकि जब तक हम सी लेंगे इसको तो ये 1 इंच तो अपने आप ही स्ट्रेच होकर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये उरेब में है इसलिए। तो हम यहाँ पर फिट ही काटेंगे, नहीं तो बाद में हमारे जो ये शाइनिंग वाला इनर है इसमें हमें प्लेट्स डालनी पड़ेंगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। हमें बिल्कुल फिटिंग का ही काटना है। तो उसके बाद ये देखिए, हमें इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा लिया है कॉर्नर से नाप कर अच्छे तरीके से गोलाई में। इसके बाद हमें जितनी लेंथ रखनी है उतनी हम काटेंगे। यहाँ पर हमारा नेट का फैब्रिक है तो हम ज़्यादा ऊंचा ये नहीं रखेंगे, बिल्कुल उसके साथ साथ ही रखेंगे। हमें इतना भी बड़ा नहीं रखना है कि जो हमारा बॉर्डर है उसके बाहर ये दिखाई दे, और हमें इतना छोटा भी नहीं रखना है कि नेट के ऊपर ये अलग से दिखाई दे। हमें बिल्कुल सेट करके उसे अच्छे तरीके से लगाना है। तो ये इनर भी हम यहाँ पर 40.5 इंच का ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल में ऊपर जो हमारा निशान है वहाँ पर इंच टेप को रखेंगे, और बारी बारी से इसी प्रकार से नाप कर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर निशान फिटिंग से ही लगाना है। अगर हम पहले यहाँ पर छोटा बड़ा निशान लगा लेंगे, बाद में हम चाहे कितना ही नाप नाप कर उसको काट लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से एक बार में ही सही निशान लगा लेना है। तो इस प्रकार से हम इसे कट कर देंगे, और जो एक साइड का हमारा ये छोटा वाला हिस्सा रह गया है इसमें हम ये साइड वाला बचेगा इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने जो साइड वाला था वो उसके ऊपर सेट किया, और जो नीचे वाला था उसके बराबर ही हम इसे काट देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसे काट देते हैं। अगर हमारा लहंगा है वो कटाई में ही अच्छे तरीके से कट जाता है तो बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, ये हमारा कट गया है, कुछ इस प्रकार से इसका लुक है। इसके बाद इसी प्रकार से हम इनर को कट करेंगे। आप यहाँ पर हमारा इनर 3 मीटर है तो हम उसी शेप में कट करेंगे। तो हमने जो शाइनिंग वाला कट किया था, हमें कमर का निशान बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसको ही रख कर इसके बराबर ही निशान लगा लेंगे। ये भी हमें प्रॉपर फिटिंग का ही चाहिए,
इसमें भी हम कोई प्लेट्स नहीं डालेंगे। तो इसके बाद हमारी इसकी लंबाई हम थोड़ी सी कम रखेंगे, इसकी लंबाई हम 38.5 इंच रखेंगे और इसे नाप नाप कर निशान लगा देंगे। सेम उसी प्रकार से, उसी मेथड से हम इसे को भी कट कर लेंगे। ये निशान है, इसको कट करने के बाद जो ये साइड में जो बचा है कपड़ा, उसको हम इस जोड़ के लिए यूज़ करेंगे। हमने इसके ऊपर रखा अच्छे से और नीचे वाला जो कट है उसी में मिलाते हुए हम इसे काट देंगे। तो ये हमारे लहंगा कट गया है। ये देखिए, इस ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले ये नीचे सूती वाला इनर है, उसके ऊपर ही शाइनिंग वाला लगेगा। पहले हम जो स्टिचिंग करेंगे तो पहले हम इनके जोड़ को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम सिलेंगे। इसके बाद बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट हमें कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है कि हम जो पट्टी लगा रहे हैं वो हमारी कितनी है। तो हमारी यहाँ पर 1.5 इंच जो चौड़ी पट्टी है वो लगाएंगे, तो उसमें उसका डबल करेंगे और उसमें 1 इंच हम ऐड कर देंगे। अगर आपको वैसे नहीं होता तो इसको पट्टी को 1.5 इंच है उसको डबल करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। 3 इंच में हम 1 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच की पट्टी हमें ये तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर जितना हमें बेल्ट तैयार रखनी है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अंदर की तरफ हम मार्जिन रख देंगे। बाद में हमें Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Listen, I need you to hear and don't show any fear.